नमस्कार दोस्तों, जनपद शाहजहाँपुर और यहाँ पर मैं आया हूँ हनुमत धाम, जहाँ पर हनुमान जी की बहुत ही विशाल मूर्ति यहाँ पर स्थापित है। और इसको यहाँ के लोगों से जानकारी प्राप्त करने के बाद पता चला कि यहाँ पर मंत्री सुरेश खन्ना जी ने इसका निर्माण करवाया है। कितनी ऊंचाई है, कैसे बनी है, इसकी जानकारी मैं यहाँ पर बुज़ुर्ग हैं, मैं उनसे लेता हूँ। आप अपना परिचय दीजिए। जी, मैं अन्नू प्रसाद वाला बोल रहा हूँ। मेरी हनुमत धाम पे दुकान लगती है, हनुमान जी के सामने जी। काउंटर कितने फीट ऊंचाई है ये? 104 फीट खाली मूर्ति 104 फीट है जी। और फाउंडेशन है इसका अलग है जी। इसका फाउंडेशन अलग है, 104 फीट खाली मूर्ति है जी। और सूरज कुमार खन्ना ने रैन बसेरा बनवाया, 3 पुल बनवाए, एक बो और उधर से सीढ़ी बनवाई, सब कुछ बनवाया भैया। गरीब आदमी के लिए सूरज खन्ना ने बहुत कुछ किया जी। और अब हम क्या कह सकते हैं, इसके आगे कहने के क्या पाएंगे हम, तो कहें हमेशा विधायक यही रहे यहाँ शाहजहाँपुर के जी। हाँ, किस पार्टी से हैं? बीजेपी से हैं, कमल फूल। मतलब अब इस बार में आप कमल खिलाएंगे? बिल्कुल हाथ जोड़ खिलाएंगे, अब दौड़ के खिलाएंगे। साइकिल क्यों नहीं? नहीं भाई साहब, साइकिल नहीं, रास्ते में पंचर हो जाएगी। ये यहाँ का जो सौंदर्य वातावरण है इसको और क्या सही इसमें किया जाए, जो आने जाने वालों को परेशानी ना हो? अभी तो मंत्री जी बहुत कुछ कर रहे हैं और आगे करने की भी बहुत उन्हें उम्मीद है पूरी, अभी बहुत कुछ करेंगे वो यहाँ। चलिए अब नज़दीक से मैं दिखाऊंगा इस विशालकाय मूर्ति को। मैं लेके चलता हूँ नदी के उस तरफ, खन्नौत नदी है और यही यहाँ से विरल प्रवाहित होती रहती है। और नदी के उस तरफ में हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित है और इस साइड में अन्य मंदिर बने हुए हैं जिनको मैं अभी आपको वीडियो के माध्यम से दिखाऊँ। नहीं खरीदता है, 1000 रुपये में सिलेंडर हो गया है, पेट्रोल 100 रुपये में हो गया है। विकास की ही बात करिए, हम करें हमें तो भैया एक जगह कह दिया जाए कि ये मंदिर लोगे या रोजगार लोगे, हम तो कहेंगे मंदिर हमें नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। लेकिन हकीकत पे जियो ना। अरे उन्हें कौआ कान ले गया, चल दे चलो उसी के पीछे। और फिर टक्कर इतनी तगड़ी है, देख लेना। देख लेना आने वाले टाइम में पढ़े लिखे लोग पकौड़े तलेंगे। वो तो पहले तलवा देंगे। अरे भैया लाओ। और यहाँ इस हनुमत धाम पर आए हुए जो हमारे नौ युवक हैं, मैं उनसे भी जानकारी लूँगा यहाँ के बारे में और अन्य भी बातें करूँगा। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम गौरव गुप्ता है और मैं यहीं। आप यहीं रहते हैं? नहीं, यहाँ नहीं रहते। कहाँ से हैं आप? हम मोहम्मदी से हैं, मोहम्मदी खीरी से हैं ये। और आप अपना? अनमोल त्रिवेदी, लखीमपुर से। आप लखीमपुर से हैं? और आप? निमलेश कुमार, पुमा से। आप पहली बार आए हैं इस हनुमत धाम में? कई बार। अच्छा लगता है यहाँ पर जब आप आते हैं? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा विकास हुआ है और देख तरक्की भी बहुत हुई है यहाँ, बहुत अच्छा लगता है जी। लखीमपुर की क्या स्थिति है उसके बारे में आप कुछ बताएं, क्योंकि लखीमपुर का नाम पिछले महीनों में बहुत ही वायरल हुआ था। बीजेपी सरकार ने
बीजेपी सरकार के पहले से बहुत ज़्यादा जो है जी विकास हुआ है। शिक्षा के माध्यम में इस समय कोरोना की वजह से स्कूल वगैरह बंद ही रहे, उसमें लोगों को दिक्कत आई है और कोई विशेष? कोरोना काल में सभी लोगों को दिक्कत आई थी, जिसका निदान भी हुआ है, कुछ लोगों को परेशानी भी हुई है, कुछ लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया भी है, लेकिन उन सभी समस्याओं से धीरे धीरे निजात मिल रहा है। हालांकि लहर अभी भी चल रही है, जैसा कि टीवी समाचार पत्रों में आप देखते हैं। और यहाँ पर आप क्या कहना चाहेंगे, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम नितिन सूरी है जी, मैं शाहजहाँपुर छोटा चौक से हूँ जी। बहुत विकास हो रहा है, बहुत बढ़िया है। सुरेश खन्ना जिंदाबाद। साइकिल नहीं चलेगी यहाँ। चलिए, जुड़ने जब तक EVM है तब तक सुरेश खन्ना है। जुड़ने के लिए धन्यवाद। पास हो गए।